नमस्कार, मैं हूं सुसुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं चार तक पर मेरा नया शो ब्लैक माने वाइट। हमारे इस शो में हम आपको ब्लैक को एकदम वाइट करके बताते हैं, जिसमें हम आपको झूठ को सच, गलत को सही और रात को दिन बताएंगे। हम आपको आज इसमें विश्लेषण करके दिखाएंगे कि छाछ, दही, आटा, चावल पर प्रधानमंत्री मोदी ने जो 5% GST लगाया है, उससे आम लोगों को कितना सारा फायदा होगा, कितना बड़ा फायदा होगा। आप हैरान हो रहे होंगे, हमें पता है, हम जानते हैं कि आपको हैरानी हो रही होगी कि 5% टैक्स लगने के बाद भी फायदा कैसे होगा। तो हम आपको बता रहे हैं, हम विश्लेषण करके दिखाते हैं आपको। आपको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी 5% की जगह 18% GST भी लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब आपको पूरे 13%, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, आपको एकदम 13% का फायदा हुआ है। यानी दही का जो पैकेट 50 की जगह 70 रुपये में आता, अब वो आपको सिर्फ 55 रुपये में मिलेगा, यानी आपको पूरे 15 रुपये का फायदा होगा। तो आप देख रहे हैं कितना सारा फायदा है। हम आपको साथ में वो मिसाल भी याद दिलाना चाहते हैं, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। यानी प्रधानमंत्री मोदी आपको बार बार नहीं रुलाना चाहते, वो आपको सिर्फ एक बार रुलाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने छाछ, दूध, दही और आटा चावल जैसी चीज़ों पर भी GST लगा दिया है, क्योंकि उन्हें पता है कि महंगी चीज़ खरीदने से इंसान के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है। आपको पता है कि जब आप कोई चीज़ महंगी खरीद कर लाते हैं तो आप उसको सबको दिखाते हैं, अपने पड़ोसियों को भी दिखाते हैं, उसका प्रदर्शन करते हैं। जब सस्ती चीज़ लाते हैं, लेकिन जब सस्ती चीज़ लाते हैं तो चुपचाप घर के अंदर चले जाते हैं। अब जब आप छाछ का और दही का महंगा पैकेट लाएंगे तो उसे सबको दिखा कर पियेंगे। आपके अंदर ये भाव ही रहेगा कि मैं देश के विकास में अब ज़्यादा योगदान दे रहा हूँ, क्योंकि मैं महंगी दही पी रहा हूँ, मैं महंगी छाछ पी रहा हूँ। अब हम आपको ये जो दही है, हम आपको अपने खुद के घर में, जी हाँ, हम आपको अपना खुद का दही जमाना सिखाएंगे। हम आपको फॉर्मूला बताएंगे कि आप अपने खुद के घर में कैसे दही जमा सकते हैं, आपको मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको सिर्फ महंगाई और बेरोज़गारी इतना बोलना है। अब देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको, महंगाई, बेरोजगार, आप देखिए एकदम कितना बढ़िया दही जमा है और कितना अच्छा और कितना सारा दही। इसका मतलब आप जान गए होंगे कि जैसे ही हम महंगाई या बेरोजगारी का नाम लेते हैं, हमारे मुंह में एकदम दही जम जाता है। यूरोप में ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनमें पूरे देश में भी इतना दही नहीं जमता जितना नोएडा की अकेली फिल्म सिटी में जम जाता है। अब आखिर में हम आपको आज का व्हाट्सएप इतिहास बताएंगे। आज से 60 साल पहले एक रेलवे स्टेशन पर एक बच्चे ने बिना दूध के ही चाय बना ली थी और ग्राहकों को बेच दी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि बिना दूध की चाय तो उसमें क्या डाला? सफ़ेद झूठ। उस बच्चे ने उसमें सफ़ेद झूठ डाल दिया था, जिससे बिल्कुल वो दूध के जैसी ही चाय बन गई थी और लोगों ने भरोसा कर लिया था, यानी दूध का दूध और पानी का पानी। अभी वक्त हो गया एक सुसु ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको एक और इतिहास बताएंगे कि कैसे 1972 में कैसे दीनदयाल शर्मा की अगुवाई में RSS के जवानों ने भारतीय सेना की मदद की थी और बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था। आप देखते रहिए चार्ट तक, ब्लैक माने वाइट।